सब्सक्राइब करें माय चैनल टेक्निकल सिवा नंबर 1 और बेल के आइकॉन को दबा दें। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिवा नंबर 1 देख रहे हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन में जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, जिससे घर बैठे नोटिफिकेशन पा सकें। फ्रेंड, आज के ये मैच आपको कवर करने वाला हूँ, तो जो भी हमारा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाके सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और हमारा यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पे आपको प्रेडिक्शन की वीडियो बना के लाता हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे इजी विनिंग हो जाती है, लॉस कवर हो जाता है जहाँ पे मैं करता हूँ। तो कल लोगों ने अच्छी विनिंग की है, लॉस कवर कर लिया होगा। यूजर्स के यहाँ पे पॉजिटिव आप चेक कर पा रहे हैं रिव्यू, तो यहाँ पे लोगों ने अच्छी प्रॉफिट अर्निंग की है, आप चेक पार कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप भी ऐसे अर्निंग करना चाहते हैं तो ट्रेडक्स पे आप इन्वेस्ट करो। जो भी भाई डाउनलोड नहीं किया है ट्रेडक्स एप्लीकेशन को, जाके डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन पे इसकी लिंक मिल जाएगी, साथ ही आपको फ्री गिवअवे देखने को मिल जाएगा। आज यहाँ पे लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का फ्री गिवअवे है, तो जो भी डाउनलोड नहीं किया है इन ऐपों को जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं। और फ्रेंड, फ्री प्राइम टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, जहाँ पे आप फ्री में भी अर्निंग कर सकते हो। जी हाँ फ्रेंड, फ्री की भी अर्निंग आप कर सकते हो। आप देख सकते हो फ्री एंट्री लेके मैंने कितने रुपए अर्निंग किए, तो आप फ्री में भी आप मंथली लाखों रुपए अर्निंग कर सकते हो। तो आपको करना क्या होगा, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। फ्री टिप दी जाती है, साथ ही फ्री प्राइम टीम दी जाती है, जहाँ पर आप अपना लॉस कवर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के ट्रेडक्स और डिविडेंड प्रेडिक्शन की ओर। तो सर, आ गए हैं हम ट्रेडक्स एप्लीकेशन पे। जो भी भाई डाउनलोड नहीं किया है जाके डाउनलोड कर लीजिए। आपको मेरे रेफर लिंक से डाउनलोड करने का फ़ायदा क्या होगा, रेफर कोड डालने का फ़ायदा क्या होगा कि आपको मिल जाएंगे वैलेट पे 20 रुपीज़, ठीक है। आप वहीं से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। पर रेफरल आपको 10 रुपीज़ और साथ ही 25% का ट्रेडिंग फीस पे आपको मिल जाएगा। तो जो भी भाई डाउनलोड नहीं किया जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के फर्स्ट मैच की बात कर लेते हैं। मैच है ऑस्ट्रेलिया वुमेन अगेंस्ट न्यूजीलैंड वुमेन का, तो आपको इस पे कब इन्वेस्टमेंट करना है। तो आइए चलते हैं। तो फ्रेंड, बात कर लेते हैं आज के इस मैच की। बैलेंस पिच है, पेसर को सपोर्ट करेगी, ठीक है। इंग्लैंड पे ये मैच होने वाला है। आप देख सकते हो यहाँ पे रिसेंट फॉर्म दोनों टीमों के, जो हेड टू हेड मैचेस हुए थे लास्ट 2 ईयर पे, तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के मैचेस पे, तो कौन बेटर परफॉर्मेंस करती हैं आप चेक कर पा रहे हैं। टीम एग्रा बहुत अच्छी हैं, चाहे वो बैटिंग से हो चाहे वो बॉलिंग डिपार्टमेंट से हो, तो एक बहुत अच्छी कैप्टन चॉइस रहेंगी टीम एग्रा। तो आप टीम एग्रा को आज कैप्टनसी जरूर दीजिएगा। वाइस कैप्टन पे आप किन के साथ जा सकते हो वो भी आपको अब हम बताएंगे। वो टॉस के बाद यदि फैंटेसी खेलते हो ना, तो कैप्टन की बेस्ट चॉइस टीम एग्रा रहने वाली हैं। वाइस कैप्टन आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे। सोफिया डिवाइन हो गई आपके पास, ठीक है, जो आपको बॉलिंग भी करके दे सकती हैं, ठीक है। सोफिया डिवाइन हर एक मैच में विकेट लेके जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आप अमलिया खेर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। हेड टू हेड जरूर इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन ये विकेट लेके जाती हैं, ठीक है। हर एक मैच पे एवरेज स्कोर लास्ट के T20 मैच के 5 इनिंग फर्स्ट स्कोर सेकंड स्कोर आप चेक कर पा रहे हैं। यदि टोटल रन का आता है या विकेट का आता है, तो आप इसके अंदर यदि आप बता दूं कि बल्लेबाजी में टोटल रन का भी आएगा, तो कौन सी टीम जब करेगी तो कितने रन बन सकते हैं। यदि न्यूजीलैंड बैटिंग करेगी तो अंडर 150 के अंडर ही बनेगा, तो आप स्टार्टिंग पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। टॉस के बाद आ जाएगा ऑप्शन। तो आई चलते हैं। बल्लेबाजी फैंटेसी ऐप है फ्रेंड, आप 100 लीग खेलोगे तो 25 मेगा टीम पे आप प्ले डेली एक्स्ट्रा कैश विन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं, आपके बहुत से लोगों के फीचर्स नहीं आए हैं कि ये प्रेडिक्टर जो है, प्रेडिक्टर का ऑप्शन कहाँ पे आएगा। प्रेडिक्टर का ऑप्शन तो आ जाता है लेकिन बहुत लोगों पे नहीं है। तो आप, मैं बताना चाहूँगा कि फ्रेंड आपको करना क्या होगा, आप अपने फ्रेंड, आप यहाँ पे बल्लेबाजी पे इंस्टाग्राम पे या फिर जीमेल पे मैसेज कर दीजिए, वो आपको मैसेज करेंगे, आपका प्रॉब्लम जो होगा वो सॉल्व कर देंगे। तो आइए चलते हैं आज के इस मैच की ओर। तो ये मैच जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मैच पे आओगे तो वहीं पर भी आपको न्यू
कि आता रहता है प्रेडिक्टर, आप चेक कर पा रहे हैं मेरे पे, तो आप पर भी आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया वुमेन के विनिंग चांसेस काफ़ी हाई हैं, तो अभी क्या है प्रेडिक्ट पे, अभी सिर्फ आपको क्या विन और लॉस का आ रहा है ना। टॉस के बाद आपको यहाँ पे टोटल सब कुछ देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट कर दिया, यहाँ पे टॉस के बाद आपको देखने को मिल जाएगा टोटल रन और कोई भी प्लेयर होगा, मान लीजिए टीम एग्राथ है, कितने रन बना सकती हैं, कि कौन कितने विकेट ले सकता है, तो वो सब कुछ यहाँ पे लाइव पे आ जाएगा जब मैच स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए बल्लेबाजी एप्लीकेशन को, जो भी डाउनलोड नहीं किया है, और जिन पे प्रेडिक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है आप मेल कर दीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे आप उन्हें मैसेज कर सकते हैं। देखिए आप लोगों के सपोर्ट के उस पर मैंने यहाँ पे मैसेज किया हुआ था उन्हें बल्लेबाजी को, तो जो भी बल्लेबाजी को मैसेज करना चाहते हैं जाके मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे इंक्वायरी आ जाएगी, आप चेक कर पा रहे हैं, आपको टीम जो होगी वो संपर्क कर लेगी। तो जो भी भाई डाउनलोड नहीं किया बल्लेबाजी एप्लीकेशन को जाके डाउनलोड कर लें। यहाँ पर भी आपको फील फ्री टू वाइट टू, यहाँ पे आप बल्लेबाजी.com पे आप यहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं। हमने रिक्वेस्ट डाल दी है प्रोमोटर के लिए। तो फ्रेंड्स सेकंड सेमीफाइनल मैच है कॉमनवेल्थ का, आप देख सकते हो हेड टू हेड रिकॉर्ड, टोटल 6 मैचेस खेले हैं। तो दोनों टीमों ने, आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैच जीता हुआ है, न्यूजीलैंड ने 2 मैच जीता हुआ है, नो रिजल्ट 1 रहा है। फ्रेंड यहाँ पे आप हेड टू हेड रिकॉर्ड भी आप चेक कर पा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया 20 ओवर में इतने रन बनाई तो न्यूजीलैंड ने इजी विन कर लिया, यहाँ पे 20 ओवर पे 130 रन बनाई थी तो इजी विन हो गई, तो आप चेक कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे न्यूजीलैंड भी बेटर है, काफ़ी लोग न्यूजीलैंड पे इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। तो आपको बता दूँ कि अभी ऑस्ट्रेलिया तो स्ट्रॉन्ग है ही, क्योंकि इनके रिसेंट जो बल्लेबाज है टीम एग्राथ हो, जॉनसन हो गई, तो यहाँ पे बहुत अच्छे बॉलर हैं जो इनके फॉर्म पे हैं। लेकिन न्यूजीलैंड भी अच्छी है, प्लेयर्स अच्छे हैं, तो आप अभी इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट बैटिंग के जीतने के हाई चांसेस हैं। तो फर्स्ट बैटिंग मान लीजिए न्यूजीलैंड करती है और स्टार्टिंग पे विकेट नहीं गिरते, तो हाई यदि 130 40 50 रन भी बन जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया थोड़ी स्ट्रगल करेगी, जो ऑस्ट्रेलिया है वो फिर स्ट्रगल करेगी। तो फ्रेंड अभी आप यस पे मत लीजिएगा, ठीक है। टॉस के बाद फाइनल पे ही आप यस के ऑप्शन पे जाइएगा, ठीक है। जिसकी बैटिंग आती है, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया वुमेन की मैच टीम आ जाती है, तब आप यस के साथ चले जाइएगा, ठीक है। नहीं तो आप फिर नो के साथ चले जाइएगा, क्योंकि विनिंग चांसेस दोनों के 50-50% है। अभी ज़रूर रिसेंट फॉर्म पे ऑस्ट्रेलिया बेस्ट है, लेकिन न्यूजीलैंड भी यहाँ पे आई है तो एक अच्छी परफॉर्मेंस दे के आई है, तो आप न्यूजीलैंड के साथ भी जा सकते हैं। कब जाएंगे? जब जो भी फर्स्ट बैटिंग करेगा उसके जीतने के चांसेस हाई हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड हो या ऑस्ट्रेलिया। हेड टू हेड रिकॉर्ड भी, तो हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करिएगा। फाइनल अपडेट जो भी होगा वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन पे है, टिक नंबर 1, ठीक है। और इंडिया वुमेन अगेंस्ट इंग्लैंड वुमेन, तो यहाँ पे इंडिया वुमेन के विनिंग चांसेस जो हैं काफ़ी लो हैं। क्यों है उसका भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख लेते हैं इंडिया वुमेन की टीम, लास्ट 3 मैचेस आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं कि लो स्कोरिंग मैच देखने को हुआ था, ठीक है। इंडिया ने ही जब यहाँ पे खेला था बांग्लादेश के बरमूरा के खिलाफ, तभी 162 नहीं तो लो स्कोरिंग, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, ठीक है, चाहे वो श्रीलंका हो, तो यहाँ पे लो स्कोरिंग मैच हुआ था। आप स्पिन और पेस भी अच्छे हैं, तो पेसर भी जो अच्छे हैं वो विकेट लेके जा रहे हैं, आप चेक कर पा रहे होंगे। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे इंग्लैंड ज़्यादा अच्छी है टीम हेड टू हेड पे, तो आप चेक कर पा रहे हैं इंग्लैंड ज़्यादा बेटर है, ठीक है। क्यों? अब थोड़ी इंडिया कमज़ोर भी है, प्लेइंग 11 चेक कर लेते हैं, आप चेक कर पा रहे हैं कि थोड़ी इनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट पे थोड़ी, इतने अच्छे बॉलर नहीं हैं, इसलिए थोड़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है इंडिया यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हैं स्मॉल लीग के जो बेस्ट पिक रहेंगे आप चेक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे इंग्लैंड की टीम देख ले, तो इंग्लैंड थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। यहाँ पे एच के नाइट यदि खेलती हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और हो जाएगी। एन स्काइवर हो गई, केट ब्रन, आई ब्रॉन्ग, एस ग्लेन, एफ क्लेम, कब जिन जो भी इनके बॉलर हैं काफ़ी फॉर्म पे चल रहे हैं, अच्छे विकेट लेके जा रहे हैं।
यहाँ पे हेड टू हेड रिकॉर्ड, और यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कौन कितना रन मार रहा है, तो हेड टू हेड रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिए। जहाँ पे यदि आप फेंटेसी खेलते हैं तो आप अपनी टीम बना सकते हैं, लेकिन हेड टू हेड यदि आप बेटर पे लगाओगे, आप यदि खेलना चाहते हैं, तो आपको बता दूँ 70% के विनिंग चांसेस जो हैं वो हैं आपके इंग्लैंड के, और 30% विनिंग चांसेस जो हैं वो हैं इंडिया के। ठीक है, क्योंकि बॉलिंग के कारण यहाँ पे इंडिया जो है वो कमज़ोर नज़र आ रही है, तो आप वहाँ पे कर पा लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। फाइनल अपडेट जो भी होगा वो टॉस के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पे बता ही दिया जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो आपको बता दिया कि कौन सी टीम विन कर सकती है, तो इंडिया के जीतने के चांसेस 70% नहीं है, मतलब 30% है, और वहीं पे इंग्लैंड वुमेन के टीम की विनिंग चांसेस जो है वो 70% है। तो हाई इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो नो पे इंडिया वुमेन टू विन अगेंस्ट इंग्लैंड वुमेन। तो आपने देखा होगा जो हेड टू हेड रिकॉर्ड भी है वो काफ़ी है, 16 मैचेस जीता हुआ है वहीं पे इंग्लैंड, वहीं 5 मैचेस जीता हुआ है इंडिया। तो आप देख सकते हो हेड टू हेड में भी बेटर है इंग्लैंड वुमेन, तो आप इंग्लैंड वुमेन पे आप हाई इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इंग्लैंड विनिंग पे। ठीक है, अब आ जाते हैं टोटल रन इंडिया और वेस्ट इंडीज पे, तो आई चलते हैं। तो यहाँ पे मैच जो होने वाला है फ्लोरिडा यूएसए में मैच होगा। ठीक है, बैलेंस पिच है, पेसर को यहाँ पे अच्छी मदद मिलेगी, तो आप पेसर ज़्यादा से ज़्यादा लीजिएगा। T20 यहाँ पे लास्ट 5 मैचेस की रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट बैटिंग फर्स्ट 60% विन की हुई है टीम बैटिंग फर्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 157 का, टोटल एवरेज स्कोर जो आ रहा है 141 का आ रहा है, मतलब कि जो टोटल 330 रन है, ठीक है, वो नो पे जाना चाहिए। 330 रन जो होगा टोटल स्कोर वो नो पे जाना चाहिए, जो यहाँ पे स्टेट बता रहा है। तो टोटल रन नो पे आप ले सकते हैं जो स्टेट बता रहा है। यदि वेस्ट इंडीज़ करती है बैटिंग तो आप नो के साथ आप ही जाइएगा, क्योंकि थोड़ी इंडिया की बॉलिंग है स्ट्रॉन्ग, तो आप नो के साथ जाओगे तो यहाँ तक मेरा मानना है कि स्टार्टिंग पे भी आप 10-15% तो यहाँ पे उठा सकते हो। तो यहाँ पे जो प्रेडिक्शन कह रही है, एनालिसिस कर रही है कि नो के ऑप्शन पे आप बाय कर सकते हैं, जैसा कि मैं नो पे ही लूँगा। ठीक है, आप यहाँ पे नो के ऑप्शन पे चले जाएं, नो के ऑप्शन पे देखिए, अभी मैंने आपके सामने ही नो ले लिया है, तो आप नो के ऑप्शन पे आप चले जा सकते हैं। ठीक है, आप आ जाओगे नो के ऑप्शन पे आप चले जाइएगा, जहाँ तक है फ़ायदा ही आपका होने वाला है, क्योंकि टोटल स्कोर उतने नहीं बनने वाले। यहाँ पे टोटल रेंज यदि आप देखोगे, रेंज की बात करें तो 180 से 200 तक बन रहा है फ्लोरिडा पे, लेकिन लास्ट के यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी यदि सेम टीम आ जाती है ना, तो एवरेज स्कोर इसीलिए डाउन है। सेम टीम यदि आ जाती है तो यहाँ पे स्कोर बजट पे आप देखने को मिल जाता है। यूएसए आयरलैंड के जो टीम हुई थी तब वहाँ पे आप एक अच्छा स्कोर देखने को मिला था। इंडिया और वेस्ट इंडीज के में आप चेक कर पा रहे हैं। हेड टू हेड की बात करते हैं तो टोटल यहाँ पे 15 मैचेस इंडिया ने और वेस्ट इंडीज ने 7 मैचेस जीता हुआ है। यहाँ पे आपको बता दूँ कि सीरीज पे भी 2-1 से बढ़त ले ली है इंडिया ने। तो यहाँ तक है प्लेइंग 11 पे यदि कोई भी चेंजेस होगा तो होने की उम्मीद भी है। हर्षल पटेल आज खेल सकते हैं, दीपक हुड्डा के की जगह रविंद्र जडेजा आ सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे प्लेइंग 11 आप देख सक पा रहे हो जो भी हेड टू हेड रिकॉर्ड है। वीडियो लास्ट तक देखोगे तो फ़ायदा आपका ही होता है फ्रेंड, इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो लास्ट तक देखा करो। हेड टू हेड रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बोलने पे आऊँगा तो काफ़ी, जो फैंटेसी खेलता है तो कैप्टन चॉइस हार्दिक पांड्या को मत बनाइए, क्योंकि हेड टू हेड रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिए। ठीक है, अक्षर पटेल हैं, यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कौन सा प्लेयर बेटर आपको दे सकते हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी फाइनल अपडेट टीम जो भी आएगी फैंटेसी की और टिप जो आएगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। हेड टू हेड रिकॉर्ड पूरन का बहुत अच्छा है, तो आप हेड टू हेड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आप इन्हें ज़रूर लेके जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छे विनिंग की है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके, तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो फ्रेंड टोटल स्कोर पे नो के साथ हम गए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा अभी का जो रिसेंट है टॉप के 5 मैचेस का एवरेज स्कोर
कम है, इसलिए मैं नो के साथ गया हूँ। आप टॉस के बाद जैसा भी होगा, मैं टॉस के बाद फाइनल अपडेट दे दूंगा, क्योंकि उस पर पिच रिपोर्ट आ जाएगी कि कौन पिच रिपोर्ट जो आएगी कि किसे कौन सी मजबूत है, बैटिंग मजबूत है कि बॉलिंग मजबूत है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा। तो आप चेक कर पा रहे हो अभी यहाँ पे नो पे लोगों ने ले लिया, ठीक है। इंडिया के यहाँ के विनिंग चांसेस काफ़ी हाई हैं। फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आई होप कि मेरी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक फ्रेंड, गुड लक।